हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज हम लोग फिर से आए हुए हैं अपने खेतों की तरफ में, और मैं इस ब्लॉग्स में आप लोगों को कुछ ऐसे ऐसे फसल को दिखाने वाला हूं जिसका आप लोग सिर्फ नाम सुने होंगे, बट उसका कैसे खेती किया जाता है आप लोगों को नहीं पता होगा। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, तंबाकू का खेती यहाँ पर होता है। हालाँकि ये बिहार में कुछ कुछ जगह पर ही होता है, और लक बाई चांस ये हम लोग के गांव में भी होता है। तो और भी ऐसे बहुत सारे फसल है, बहुत सारा ऐसा खेती है। तो अभी मैं आप लोगों को इस वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। देख रहे हैं, ये पूरा तंबाकू का ही यहाँ पे खेती होता है, और लिटरली आप लोग को जहाँ तक भी देखेगा वहाँ पूरा तंबाकू ही है। और इस तरफ में आलू अभी बोया है, तो अभी इसमें अभी निकलने में काफ़ी टाइम है। तो लिटरली आप लोग जितना भी देख रहे हैं, सारा का सारा तम्बाकू का ही खेत है। जब भी हम लोग गांव में ट्रेवल करते हैं या फिर गांव में जो खेती भी होता है ना, वो प्योर ऑर्गेनिक खेती होता है, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स ही होता है, ना कोई मिलावट होता है, और ये सिर्फ गांव में ही अवेलेबल होता है। और लिटरली जब भी हम लोग किसी शहर में लेते हैं तो बहुत सारा पाउडर आता है जो आप उस पर यूज़ करोगे तो उस पर काफ़ी फल ग्रो करता है, बट रियली में उसके अंदर का जो भी प्रोटीन होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो ये हम लोग के गाँव का था जो प्योर ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स यहाँ उगाया जाता है। तो गाइस, अभी हम लोग आए हुए हैं खेत में जहाँ पे कद्दू उगाया जाता है, और ये यहाँ पे अभी देख रहे हैं ना, इसमें जो भी होता है वो डांट पे लगा होता है, जो रस्सी का बना होता है, इससे जो भी फसल होता है वो पूरा प्योर होता है और फ्रेश होता है। जो ज़मीन जितना भी छोड़ के वो होगा वो उतना ग्रो करता है, वो फैलता भी है। तो अभी हम लोग और देख रहे हैं, धीरे धीरे आगे चल रहे हैं। तो भाई ये देख रहे हैं, यहाँ पूरा कद्दू है, नीचे भी देख रहे हैं पूरा कद्दू लगा हुआ है। ये रस्सी का बना होता है, और ये इसलिए इसका यूज़ किया जाता है ताकि जो भी फल हो वो पूरा अच्छा से ग्रो करे। जो ज़मीन में अगर वो लग जाता है तो वो सड़ भी जाता है। देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी डैमेज भी निकला हुआ है, तो भी देख रहे हैं ना, काफ़ी दूर दूर तक आपको पूरा कद्दू ही दिख रहा होगा। और आगे जहाँ पर सिर्फ परवल का खेती किया जाता है, और ये सब खेती करने का मेथड सबका सेम ही रहता है। जो भी होता है ना, सबको एक रसरी के ऊपर ही बांध के उसको उगाया जाता है ताकि जितना वो ज़मीन से ऊंचा रहेगा फल उतना ही अच्छा रहेगा, और पूरा वो बड़ा भी होता है और फ्रेश भी रहता है। ये देख रहे हैं यहाँ पे है परवल जो पका हुआ है, ये है परवल। इसका भी सीज़न ख़त्म हो गया है, अगर ये सीज़न में रहता तो इसमें आप देख रहे हैं ना, पूरा में भरा रहता है परवल, और ये पूरा परवल का ही आप देख रहे हो, पूरा खेत परवल का ही है। अभी हम लोग आए हुए हैं बंधा गोभी के खेत में, जिसको इंग्लिश में कॉलीफ्लावर बोलते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं पूरा एकदम लग रहा है कि फूल की तरह बना हुआ है, हालांकि ये बाजार में भी मिलता है, लेकिन अभी इसमें पूरा फूल अभी धीरे धीरे निकल रहा है, और ये पूरा अभी देख रहे हैं पूरा खेत जो है वो पूरा फूल गोभी से बना हुआ है। तो गाइस, ये था ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स जो हम लोग के गांव में उगाया जाता है। आई होप आप लोग वीडियो को एंजॉय किए होंगे। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।